छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब हर बुधवार को अपने निवास पर जन चौपाल लगाएंगे। इस चौपाल में भी आमजन से सीधे रूबरू होंगे। जन चौपाल की शुरुआत 3 जुलाई से होगी और जानकारी के मुताबिक जन चौपाल कार्यक्रम रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पर हर बुधवार को सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। इसमें सीएम आम नागरिकों की समस्याओं को सुनेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक नई पहल, अधिक जानकारी से संवाददाता जुड़ गए हैं आशीष तिवारी। आशीष, जिस तरह से देखा जाए कि जनता से रूबरू होने के लिए और जनता की समस्याएं नजदीकी से सुनने के लिए शायद यह जन चौपाल एक अच्छी कदम और एक अच्छी पहल जो शुरू की जा रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा वो हो सकती है। देखिए, जनता से जुड़ाव का एक अहम कदम ये होगा और जिस तरीके से जन चौपाल की शुरुआत 3 जुलाई से मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, हर बुधवार को सीएम हाउस में ये चौपाल चौपाल लगेगी और प्रत्यक्ष मुलाकात मुख्यमंत्री प्रदेश भर की आम जनता से जो उन तक पहुंचने आते हैं उनसे वो उनकी मुलाकात होगी, उनकी शिकायतों को सुनेंगे और अपने माथा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देशित भी करेंगे। हालांकि पिछली सरकार में भी जन दर्शन के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ये कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन ये जो शुरुआत भूपेश बघेल करने जा रहे हैं ये थोड़ा अलग कार्यक्रम होगा। हालांकि जन चौपाल के नाम को भी अब बदल दिया गया है, भेंट मुलाकात इस कार्यक्रम का नाम कर दिया गया है और भूपेश बघेल जिस तरीके से भूपेश बघेल की अपनी इमेज है कि जिनसे भी वो बात करते हैं तो उनसे बेहद आत्मीयता से बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार जिस तरीके से बनी है उस में सुनवाई एक प्राथमिकता हो, लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं उसे सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की एक कवायद हो, इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब चौपाल लगाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं और हर बुधवार को सीएम हाउस में ये चौपाल लगाई जाएगी। बिल्कुल, और इसका जो खाका किस तरीके से खींचा गया है, कितने लोग इसमें शरीक हो सकते हैं या फिर किस तरह से इसमें जाकर पहुंच के वो अपनी समस्याएं बता सकते हैं, किस तरह से पूरा जो जन चौपाल का कार्यक्रम है वो रखा गया है? देखिए, फिलहाल आज ही तय हुआ है कि सीएम हाउस में हर बुधवार को जन चौपाल लगाई जाएगी, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली सरकार में जन दर्शन होता था, हर गुरुवार को बड़ी तादाद में प्रदेश भर के लोग पहुंचते थे, मुख्यमंत्री से अपने आवेदन को साझा करते थे, अपनी परेशानियों को और अपनी जरूरतों को बयां करते थे और तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को प्रेरित किया जाता था, साथ ही साथ जन दर्शन के पोर्टल पर भी लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते थे। प्रक्रिया लगभग वैसे ही होगी, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। शिकायत सुनवाई भी मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे और चूंकि जिस तरीके से पिछली सरकार में अधिकारियों को मुख्यमंत्री निर्देशित करते रहे और बकायदा मॉनिटरिंग के लिए एक अलग सेल बनाया गया था कि जो शिकायतें आ रही हैं उसके निराकरण की स्थिति क्या है, वैसा सेल भी आने वाले दिनों में सरकार बनाएगी ताकि तमाम जो शिकायतें आएंगी समय रहते टाइम बाउंड फ्रेम में उन शिकायतों का निराकरण किया जा सके। बिल्कुल, जिस तरह से आशीष एक सीएम लगातार दौरा करता रहता है, लगातार पूरे प्रदेश में घूमता रहता है या फिर कई कामों से बाहर जाना पड़ता है, कई मीटिंगें होती है, उस दरमियान इस जन चौपाल को कौन लगाएगा इसके बाद, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल अगर नहीं से अटेंड कर पाते हैं या फिर कहीं वो जाते हैं वहां जाकर जन चौपाल लगाएंगे, किस तरह से रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश के बाहर दौरे पर होंगे या राज्य में भी बुधवार को दिन बुधवार के दिन यदि प्रदेश के दौरे पर होते हैं तो उस दिन ये जन चौपाल स्थगित रहेगी और जिस तरीके से एक परिपाटी रही है कि जब कोई कार्यक्रम स्थगित होता है तो पहले से ही प्रचार प्रसार कर दिया जाता है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, वही परंपरा अपनाई जाएगी, पहले से ही प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम है लिहाजा जन चौपाल नहीं हो पाएगा, तो इसकी सूचना जनसंपर्क विभाग की तरफ से मीडिया के जरिए साझा कर दी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष।